हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। इस वीडियो में हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की फर्स्ट प्रॉब्लम ड्रॉ करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम देखिए किस तरीके से गिवन रहेगी आपको एग्ज़ाम में। ये दो व्यू दिए होंगे आपको, ये है आपका फ्रंट व्यू और ये है टॉप व्यू, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन आपको बनानी होगी, ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन यानी इस फिगर का सॉल्यूशन यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, तो ये आपको गिवन नहीं होगा, ये आपको ड्रॉ करना होगा। लेकिन आप कोशिश करें कि ये दोनों फिगर देख के इसको बनाएं, इसको देख देख के ना बनाएं, इन दोनों की मदद से हमें ये ड्रॉ करना है। देखिए, सबसे पहले हमें कुछ डायमेंशंस निकालनी होंगी। ये देखिए विड्थ कितनी है, सबसे पहले ये विड्थ देखिए जो फ्रंट व्यू में दिखाई दे रही है, ये है 38 प्लस 30 68, राइट। तो ये जो चीज़ दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, यहाँ से जहाँ ये एरो हेड लगा है, यहाँ से फ्रंट व्यू है, तो ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, यानी टोटल दिखाई दे रहा है आपको 68, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की हमें डायमेंशनिंग मिल गई है टोटल, दैट इज 68 mm, ठीक है। और अब बात हो गई है विड्थ की, विड्थ कितनी हो जाएगी, 30 प्लस 15 प्लस 15, टोटल हो गया ये 60, यानी आपको एक स्क्वायर बनाना है, सॉरी रेक्टेंगल बनाना है, जिसकी डायमेंशन क्या रहेंगी, उसकी विड्थ रहेगी आपकी 68 mm और ये रहेगा उसका 60 mm। तो देखिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए सबसे पहले इस तरीके से, कितने डिग्री एंगल पे, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में होता है 30 डिग्री एंगल पे, ठीक है, दोनों ही साइड 30 डिग्री का एंगल आप बना लेंगे। उसके बाद देखिए किस तरीके से प्रोसीड करना है आपको। अब ये रेक्टेंगल बनाएंगे कैसे, ये जो है, ठीक है ना, ये चीज़ बनानी है आपको कितनी, 68 mm, ठीक है। तो 68 mm मेज़र कर लीजिए यहाँ से, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये 68 mm है, यहाँ पे आप पॉइंट मार्क कर लें 68 mm टोटल। लेकिन दूसरा पॉइंट जहाँ पे ये सेंटर पॉइंट पे सर्कल आएगा, ये भी मार्क कर लीजिए कितने mm पे, 38 mm पे। तो ये हो जाएगा 8 18 28 और 38, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। इन्हीं दोनों पॉइंटों की हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है अभी थोड़ी देर बाद। तो और इधर डायमेंशन कितनी लेंगे, ये वाली डायमेंशन कितनी है, देखिए ध्यान से, ये है 60 mm, तो 60 mm आप यहाँ मार्क करेंगे, ठीक है। तो साथ के साथ बनाते जाइए मेरे, तो ये हो जाएगा आपका 60 mm, ठीक है, यहाँ पॉइंट आ गया है। अब देखिए, अब हाइट देखिए, फ्रंट व्यू में ऑब्जेक्ट की हाइट दिखाई दे रही है कितनी, 18 mm। तो आपको इस पॉइंट के ऊपर, इस पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर 18 mm डिस्टेंस लेनी है, ये आ जाएगा 18 mm, ठीक है, ये 18 mm आ गया, राइट। अब सिमिलरली आप क्या कीजिए, 18 mm यहाँ पे भी ले लीजिए, ये 18 mm आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, तीनों ही पॉइंट्स पे, यानी यहाँ पे, ये 18 mm आ जाएगी, ठीक है। इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, लेकिन अभी आप इसको लाइट रखें, क्योंकि बाद में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए लाइट रखें। और ये एक आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनने वाला है, जिसको इनिशियली आप थोड़ा सा लाइट रखेंगे, बाद में डार्क क्या क्या करना है वो मैं अभी बताऊंगा। तो उसके बाद आपको इक्वल बनाना है, तो इतना कंपास ओपन कर लीजिए 60 mm जितना, ठीक है, नीचे से अगर ले लें तो और बेटर है, ये 60 mm, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे और ये टोटल लेंथ ले लीजिएगा, यानी यहाँ पर, ठीक है। और एक पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा यहाँ पे, ये रहा, और इस तरीके से आपकी आर्क आ जाएगी। अब इसको क्या कर दीजिए, ज्वाइन करा दीजिए, देखिए किस तरीके से रहेगा ये, एक पॉइंट ये ज्वाइन हो गया और दूसरा पॉइंट ये भी ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। तो इतना काम होने के बाद, इतना काम सबसे पहले आपको करना है, ये हाइट कितनी है 18, ये कितना है 60 और ये टोटल कितना है 68, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 38। तो यहाँ पे भी आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, जिसकी हाइट रहेगी आपकी 18 mm ऑलरेडी है वो,
ठीक है, तो उसको हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये चीज़ ड्रॉ कर लीजिए। अगर आपको इजी रहे तो सबसे पहले ये ड्रॉ कीजिए, इधर से कितना चलना है 15 mm और इधर से भी कितना चलना है 15 mm। तो टॉप व्यू में 15 mm दिख रहा है, तो हम दोनों ही साइड से क्या करेंगे 15 15 mm का मार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये 15 mm का पॉइंट मार्क हो जाएगा यहाँ पे भी, और सिमिलरली 15 mm यहाँ पे भी मार्क हो जाएगा। ठीक है, दो पॉइंट आ जाएंगे। उसके बाद ये पीछे की तरफ कितना चलना है हमें, यहाँ से कितना 10 mm। इस सॉल्यूशन का ना देखें, पहले यहाँ से चलें, इधर 10 और इधर भी कितना है 10 mm, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा, टेन एम एम इधर, 10 mm इधर से भी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, और ये पीछे कितना चला है, 10 mm चला गया, लेकिन ये कितना है 15 mm। अब देखिएगा ध्यान से, तो इधर से भी ले लीजिए ताकि आपकी लाइनें इक्वल रहें। ये हो जाएगा 15 mm, तो इसको ज्वाइन करा दीजिए, राइट। सिमिलरली इधर से भी ले लेना है। अगर आपके पास ड्राफ्टर है तो ये लाइनें पैरेलल आपके लिए ड्रॉ करनी बहुत इजी हैं। मेरे पास ड्राफ्टर नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ठीक है, इतना होने के बाद अब देखिए, अब यहाँ भी आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से। ये लाइन आ गई, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ से भी आप ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, आ गया। अब देखिए, अब यहाँ से भी एक लाइन आएगी जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे, इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन आएगी यहाँ पे, ठीक है। इतना होने के बाद इसको कर देंगे आप डार्क, राइट। अब आप इरेजर लेके क्या क्या रब करेंगे वो ध्यान दीजिए। ये पार्ट बीच में नहीं एग्जिस्ट करता है, तो इसको अगर आप रब कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा, और ये कंपोनेंट भी आपका नहीं है बीच में। अब देखिए, अब डार्क क्या करना पड़ेगा हमें, ये पर्टिकुलर पॉइंट और ये लाइन, और ये लाइन भी डार्क रहेगी आपकी। उसके बाद यहाँ से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन आएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है, इतना दिखेगा। तो ये वाला पार्ट तो हमारा रेडी हो गया है। अब चैलेंजिंग पार्ट जो रहेगा, इस इन लाइनों को भी रब कर दीजिए, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, तो इन लाइनों को भी रब कर देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक्स्ट्रा लाइन होने वाली है कुछ देर बाद, इसीलिए ये लाइनें दिक्कत करेंगी आपके लिए, पॉइंट आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो जाएगी कि कौन सा पॉइंट कहाँ है, ठीक है। तो ये देखिए, इतना हो गया, तो इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। अब देखिए, कंपास उठाइए और यहाँ रखिए, और ये कितना था, 38 mm था, ठीक है। तो इतना ही आप ओपन कर लीजिए यहाँ से, और यहाँ से भी मार्क कर दीजिए। ये पॉइंट आएगा तो यहाँ पे एक सेंटर लाइन आएगी आपकी, जिस पे आपको सर्कल का आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है। देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, ये आ गया है मेरा 38 mm। तो ये लाइन जो जा रही है आपकी 38 mm जा रही है इस कॉर्नर से।
अब मुझे क्या लेना है, टोटल है मेरा ये 60 mm, 60 mm के सेंटर पे ये लाइन भी ड्रॉ करनी है, यानी यहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी है, इससे यहाँ पे सेंटर पॉइंट आ जाएगा और ये जो बाहर आपको दिखाई दे रहा है सेमी सर्कुलर पार्ट, इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे, उसके लिए हमें सर्कल की ज़रूरत होगी, और ये जो छोटा सर्कल दिखाई दे रहा है इसका भी आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है, तो इसके लिए भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ये है मेरा 60 mm, तो मैं इसका सेंटर ले लूँगा, सबसे पहले ये आ जाएगा सेंटर, ठीक है, और इसका भी सेंटर आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इन पॉइंटों को मिला दीजिए आप, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट जैसे ही आएगा, अब ध्यान से देखिए ये बाहर वाला जो सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है, 30 mm। तो आपको जो रोम्बस बनानी होगी, क्योंकि हमने आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सर्कल ड्रॉ करना पिछले वीडियो में पढ़ा था, तो इसकी रेडियस कितनी है, 30 mm। तो हमें एक सर्कल चाहिए, यानी एक रोम्बस चाहिए जिसके अंदर मेरा सर्कल का आइसोमेट्रिक व्यू आएगा एलिप्टिकल शेप में, यानी इस वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो जब सेंटर से इधर कितना है, 30 है, तो इधर भी कितना जाएगा, 30 mm जाएगा। तो देखिए किस तरीके से 30 mm इधर चलेंगे आप, तो ये आएगा कहीं इधर, ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो इसको मिलाती हुई लाइन हमारी यहाँ आ जाएगी, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इतना हुआ। उसके बाद देखिए, हमने आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सर्कल ड्रॉ करना सीखा था, तो उसके अंदर क्या किया था हमने, इन दोनों को ज्वाइन किया था, ठीक है। ये था मेरा माइनर, ठीक है, ये क्या था मेरा माइनर डायमीटर, ध्यान दीजिए ये था मेरा माइनर डायमीटर, और ये कौन सा था, मेजर डायमीटर था ये, ठीक है। तो हम इसको ज्वाइन करा लेते हैं इधर, थोड़ा 19-20 एक्यूरेसी के अंदर हो सकता है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हमारा सेंटर पॉइंट है जहाँ से गुजरता है। अब आपको अपने कंपास की निडल देखो कहाँ पुट करनी है, आपको अपने कंपास की निडल पुट करनी है यहाँ पे, और कितना ओपन करना है, इतना ओपन करना है, ध्यान दीजिए कंपास की निडल पुट करेंगे यहाँ पे, और ओपन कितना करेंगे, जितना ये सेंटर पॉइंट है, और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये आर्क हमारी ड्रॉ हो जाएगी, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमें क्या करना होता था कि इस पॉइंट को भी यहाँ ज्वाइन करना होता था, तो ये तो हमने कर दिया, ठीक है, ये करना होता था हमें फर्स्ट स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या था, ठीक, तो दूसरे स्टेप में यहाँ से यहाँ लाइन ज्वाइन करनी होती थी, तो ये सेंटर पॉइंट आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये सेंटर पॉइंट आपका जैसे ही आया, अब आपको क्या करना है, यहाँ कंपास की निडल पुट करनी है और इतना खोलना है कंपास को, और इस आर्क को कर देना है कंप्लीट। इसको ट्राई करते हैं हम एक बार कि एग्जैक्टली ड्रॉ हो जाए, ये हो गया मेरा, ठीक है। इस सेमी सर्कुलर पार्ट की जिसकी रेडियस 30, उसका हमने ये पार्ट ड्रॉ कर लिया है, राइट। अब देखिए, अब आती है छोटे सर्कल की बात, जिसका डायमीटर कितना है, 30। अब हमें 30x30 की रोम्बस चाहिए सेंटर पॉइंट से, देखिए 30x30 की चाहिए है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 15 15 लेना पड़ेगा, कितना 15, यानी 15 इधर और 15 इधर, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आ गए मेरे, ठीक है। सिमिलरली इस सेंटर लाइन से चलना पड़ेगा 15 15 ऊपर और नीचे, ठीक है। तो ये लाइन आ जाएगी मेरी यहाँ, और एक पॉइंट आ जाएगा मेरा
यहाँ पे, ठीक है। तो हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे किस तरीके से, देखिए सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए। तो ये लाइन आएगी कुछ इस तरीके से हमारी, ठीक है, और अब आ जाएगी इस तरीके से, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे भी ड्रॉ करनी है हमें जो यहाँ से होती हुई गुजरेगी, ठीक है। ये पॉइंट आ जाएंगे बेटा, देखिए ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, चार पॉइंट आ गए। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ कंपास की नीडल पुट करेंगे और कितना खोलेंगे ध्यान दीजिएगा, इतना खोलेंगे, ठीक है, और एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और सिमिलरली ऊपर भी रखेंगे और एक और आर्क ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ये हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब हमें ज्वाइन करना है यहाँ से यहाँ पे, तो उससे मेरा पॉइंट आ जाएगा ये वाला, और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे इसके साथ। ये हम कुछ नहीं कर रहे, हम सर्कल का आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे हैं। यहाँ और यहाँ कंपास रख के आपको आर्क लगानी है, तो स्पेस थोड़ा कम है, अगर ड्रॉ हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं फ्री हैंड आपको ड्रॉ करके दिखा दूँगा, क्योंकि आप इसको राइट मेथड से ड्रॉ करके कोशिश कीजिएगा कि हो जाए। देखिए हो गया है राइट, सिमिलरली यहां पे भी, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए आपको एक चीज और ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो क्या, ये हाइट कितनी है 18 mm है, तो ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है आपको, जब इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे तो इस सर्कल का हाइट है 18 mm, थ्रू आउट सर्कल है, तो वो पार्ट भी मुझे कुछ यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट मुझे क्या है दिखेगा अंदर की तरफ। अब वो कितना दिखेगा उसका तरीका देखिए आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा बेटा, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट से कितने mm नीचे चलना है ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट से कितने mm नीचे चलना है 18 mm, क्योंकि इसकी हाइट कितनी है 18 mm है, 18 mm नीचे चलना है, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ कहीं, यहाँ पॉइंट आएगा कितना, इस कॉर्नर से 18 mm नीचे चलना है, और कंपास कितना खोलना है ध्यान दीजिएगा, कंपास कितना ओपन करना है आपको, जितना आपने यहाँ ओपन किया था, यानी इस कॉर्नर से जो ये बड़े वाला सर्कल लगाया था, ये आइसोमेट्रिक जो आया था, इतना कंपास ओपन करना है ध्यान दीजिए, इतना कंपास ओपन करना है, और इस पॉइंट से 18 mm नीचे चलना है, और अब यहाँ कंपास की नीडल पुट करके एक आर्क ऐसे लगा देनी है राइट, ये पार्ट दिखेगा। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आप उठाइए अपनी एच पेंसिल, अब जो जो पार्ट मैं डार्क कर रहा हूँ वो मेरे साथ साथ डार्क करते जाइए, आपकी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन रेडी है बिल्कुल। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा ये क्वेश्चन, चैलेंजिंग रहेगा एक तरीके से, क्योंकि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर तो आपको ये फिगर दी होती है और दूसरी आपको बनानी होती है, मल्टी व्यू बनाना होता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारी ये रेडी हो गई है, एच पेंसिल से इसको डार्क कर लीजिएगा थोड़ा, ये देखिए ठीक, इसको भी डार्क करेंगे, इसको भी डार्क करेंगे, इसको भी, अब इसको भी डार्क करेंगे राइट, और अब इसको भी,
राइट। और अब इसको भी, ठीक। अब देखिए एक चीज बाकी रह गई है हमारी, हमें क्या करना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे यहाँ तक आना है, ठीक है। और इस पार्ट को थोड़ा सा आप अगर फ्री हैंड कर देंगे, हाथ से भी कर देंगे ऐसे तो चलेगा, थोड़ा सा राउंडनेस दे दीजिएगा यहाँ पे अपने हाथ से सिंगल, तो ये पार्ट भी आपका आ जाएगा। इसको हाथ से कर दीजिएगा फ्री हैंड, वरना सही मेथड तो आर्क का है, लेकिन उसके अभी यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत लाइनें ऑलरेडी ड्रॉ हो चुकी हैं। तो इतना पार्ट तो हो गया मेरा, ठीक है। तो अब रिमेनिंग पार्ट जो मैं है वो कर रहा हूँ मैं अपने फ्री हैंडली डार्क। लेकिन आप क्या करेंगे, शुरू में ही आप अपनी एच पेंसिल को थोड़ा सा डार्क चलाएंगे। तो मैं कर रहा हूँ फ्री हैंड, आप फ्री हैंड ना कीजिएगा, ध्यान दीजिए, फ्री हैंड आपको नहीं करना है। आपकी वीडियो में विजिबिलिटी रहे, आपको वीडियो साफ दिखे, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस पार्ट को फ्री हैंड ज्वाइन कर रहा हूँ, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा आपका, ठीक है। तो ठीक है, अब देखिए इतना पार्ट तो ये हो गया है रेडी। अब इसकी डायमेंशनिंग भी करनी पड़ेगी आपको। डायमेंशनिंग करते टाइम कैसे कैसे आपको करनी है, ध्यान दीजिएगा। इस पार्ट की डायमेंशनिंग करेंगे आप, ठीक है, इस पार्ट की डायमेंशनिंग करेंगे, कितनी है ये आपकी, हो जाएगी ये करेंगे सबसे पहले, तो इसकी डायमेंशनिंग आपको दिखानी है। एटीन एम एम, राइट, ये डायमेंशनिंग हो जाएगी आपकी 18, और ये हो जाएगी कितनी, 15, और ये तो 15 है ही, और बीच में कितना बचेगा, एरोहेड यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिएगा, बीच में बचा है आपका, ये भी 15 रहेगी, ये भी 15 रहेगी। आई थिंक हमने इसको बाय मिस्टेक शायद 10 ले लिया है, लेकिन आपको 15 रखनी है, ये हो सकता है ये 15 ही हो, लेकिन आप इसको 15 ध्यान से कीजिएगा, और ये हो जाएगा कितना बीच में 30, इतना हुआ। आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशनिंग यहाँ कर दीजिएगा तो और बेटर है, थोड़ा ऑब्जेक्ट से बाहर हो तो अच्छा है। इसकी डायमेंशनिंग यहाँ तक करेंगे आप, कितना 38, राइट। और इसकी डायमेंशनिंग आपको करके दिखानी है, मैं एच पेंसिल से करके दिखा देता हूँ आपको, आप करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से लाइन ले जाके, ऐसे डायमेंशनिंग करेंगे और ऊपर लिखेंगे R30, ठीक है। उसके बाद इस सर्कल की करेंगे आप, ठीक है, यहाँ पे इसकी डायमेंशनिंग हो जाएगी आपकी कितनी, 530। तो 530 अंदर चाहे तो आप अंदर भी कर सकते हैं, एक पार्ट ये बच गया है हमारा, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल प्रोजेक्शन आ जाएगी। इसके अलावा शायद कोई डायमेंशनिंग करने की ज़रूरत आपको ना पड़े, लेकिन इस पॉइंट को ज़रूर मार्क कर दीजिएगा, ये जो पॉइंट है ये आपको डायमेंशनिंग इसकी करनी पड़ेगी इस तरीके से कुछ, क्योंकि सेंटर पॉइंट आपको डिनोट करके दिखाना है, ये है इस कॉर्नर से 18 mm नीचे, और यहाँ प्रकार रख के इतना खोलना है, लेकिन आर्क यहाँ से लगानी है, ठीक है। तो यहाँ आप आर्क लगा दीजिएगा। तो यहाँ ख़त्म होती है मेरी फर्स्ट प्रॉब्लम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू वेरी मच।